हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरुण एक्सलेंट क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस ऑफ सेट एंड और इसकी बात करें हम कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे चारों चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ और कि जो इससे पिछला लेक्चर था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, वो था क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन द सेट ए, जिसमें 135 आपको गिवन है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर बी जिसमें 246 है, एंड सी उसमें है आपका 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए, बी एंड सी। तो देखिए, इसमें जो इसका ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन थर्ड। तो इसका ऑप्शन थर्ड है क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में क्या है, जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें आपका दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 टिल 10 तक का है आपका, 6, 7, 8, 9, 10। एंड जो आपका 135 है वो इसका सबसेट है, 246 वो भी इस वाले सेट का सबसेट है, एंड 02468 तो ये भी क्या है, इस थर्ड वाले केस का सबसेट है। तो मैं कह सकता हूँ जो सिर्फ ये थर्ड वाला केस है, सिर्फ यही ऐसा केस है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फोर्थ वाला केस कंसीडर करता तो देखिए उसमें एक जीरो इंक्लूड नहीं है। अगर ये फोर्थ वाले पार्ट में जीरो इंक्लूड होता तो मैं ये बोल सकता था कि जो फोर्थ वाला पार्ट है इन तीनों सेट्स के लिए क्या है, एक यूनियन सेट है या फिर इनका कंबाइन सेट है। बट जो आपका पहला केस है उसमें जीरो से लेके सिक्स तक है, तो 7 और 8 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए पहला वाला केस तो हो ही नहीं सकता। एंड सेकेंड केस 5 है जो कि इम्पॉसिबल है, सो वी कैन से दैट थर्ड इज द ओनली आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे यूनियन की, इंटरसेक्शन की, कॉम्प्लीमेंट की एंड डिफरेंसेस ऑफ सेट की। तो इसमें सबसे पहला केस आप मैं लेता हूं, यहां पे मैं एक सेट लेता हूं, जैसे ए मेरा एक सेट है, उसमें मैंने लिया इसको 1, 2, 3। एंड सिमिलरली यहां पे मैं एक सेट और ले रहा हूं बी, तो यहां मैंने ले लिया, यहां पर आप ले लीजिए 3, 4, 5, 7। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूनियन की। देखिए यूनियन क्या होता है, जब आप दो सेट को कंबाइन करते हो, ए यूनियन बी जब निकालते हो, तो देखिए यूनियन का साइन क्या होता है, आप इसको यू से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट की, तो मैंने इसको यहाँ यू से डिनोट किया हुआ है। तो जब मैं इन दोनों सेट का यूनियन निकालूंगा तो दिस विल बी 1, 2, 3 एंड ये आपका हो जाएगा यहां पे 3, यहां पे आ चुका है ऑलरेडी, तो 3 दोबारा रिपीट नहीं होगा। एंड फाइनली बचे हुए टर्म इसमें सारे आ जाएंगे, यानी कि 4, 5, 7। तो ये आपका ए यूनियन बी निकल के आ गया, तो इसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। आपने यहां पे यूनियन निकाला है सिर्फ दो सेट का। सिमिलरली अगर मैं एक तीसरा सेट लेता सी, उसमें कुछ एलिमेंट लेता, फिर इन तीनों का कंबाइन मैं ए यूनियन बी जो मैंने निकाला हुआ है, फिर मैं इसका यूनियन उस थर्ड वाले सेट से निकाल देता, तो मेरा ये कंप्लीट आ जाता ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह बहुत सारे सेट को आप कंबाइन कर सकते हो, उनका आप यूनियन निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो देखिए इंटरसेक्शन का जो साइन होता है इसको मैंने उल्टा यू करके बनाया हुआ है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि आप इसको समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसी वाले सेट में ए इंटरसेक्शन बी की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, और इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। तो यहाँ पे मेरा ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ओनली 3। तो ये मेरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब बात करते हैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से सबसे पहले मैं आपको ये चीज और बता दूं कि आपको एक यहां पे अलग से एक
सेट और चाहिए जिसको मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए आपने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 10 तक आपने नंबर ले रखे हैं, 8, 9 and 10। और जो मैं इससे अब मैं यहाँ पे जो सेट लिखने वाला हूँ वो मैं ऐसे लिखूँगा ताकि वो 10 से ऊपर ना जाए, क्योंकि मैंने एक यूनियन सेट लिया हुआ है यू, और जो सेट मैं बनाऊँगा वो मेरे इससे छोटे ही होंगे। मतलब मैंने यहाँ पे एक सेट लिया ए 1, 2, 3, एक मैंने सेट ले लिया बी 4, 5, 6। तो देखिए अब जब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, बिकॉज मैं ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा यू माइनस ए, मैं इस यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट के एलिमेंट को माइनस कर दूंगा। अब माइनस करना है मेरे को यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइनस करते कैसे हैं। देखिए तो u माइनस ए का मतलब ये हो गया आपको इस u में से इस a के जो एलिमेंट है जो कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहां पे मैं बात करूं कॉमन कौन से हैं 1, 2, 3 एंड यहां भी 1, 2, 3 है, तो ये 1, 2, 3 पार्ट कहां से हट जाएगा, इस u वाले सेट से, आई मीन जो आपका यूनिवर्सल सेट है इसमें से 1, 2, 3 हट जाएगा और बचे हुए सारे टर्म किस में आ जाएंगे, इस a के कॉम्प्लीमेंट में। मतलब u में से, U और A में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हट जाएंगे U से, एंड आपका ये आंसर आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसी को बोलते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट। मैंने आपको जो यहाँ पे दिखा है डिफरेंसेस, जैसे A माइनस B और B माइनस A, ये मैं आपको अभी और आगे करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने निकाला है यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट। और एक और चीज़, जब आप फर्दर यूज़ करेंगे A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनियन ए, तो आपको वापस से देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है ये, और ए कितना है 1, 2, 3, तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे यू विल गेट दिस यू, यानी यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका वापस कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका फिर से क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो गया, यानी मैं इसको लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट। तो अब बच्चा जो आपका पार्ट है दैट इज डिफरेंस सेट का क्या होता है, जो कि मैं आपको यहां बता चुका हूं, बट एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। अब मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेट लिया, मैं ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैंने यहां पे ले लिया 2, 4, 6, 8, 9। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए माइनस बी की। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपको ए और बी में पहले कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट हैं कौन कौन से, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4, 4 and 6, 6। तो देखिए ए और बी में मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कि कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या। अब मैंने ए को पहले लिखा हुआ है, तो मतलब जो आपने कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो कॉमन एलिमेंट जो ए और बी में है, अब जब आप ए माइनस बी निकालेंगे तो उस ए में से वो कॉमन एलिमेंट हट जाएंगे, बी में से नहीं हटेंगे, वो किससे हटेंगे, ए में से, क्योंकि आप ए माइनस बी कर रहे हो। तो ये आपका आ जाएगा 1, 3, 5, बस इतना ही आ रहा है क्योंकि आपके तीन एलिमेंट तो यहाँ पे कॉमन आ चुके हैं 1, 3 and 5। गुड, तो ये आपका आ गया ए माइनस बी। बट अगर मैं यहाँ पे अगर बी माइनस ए निकालूंगा तो ये कितना होगा, अब वो कॉमन एलिमेंट बी से हटेंगे, वो ए से नहीं हटने वाले। तो अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ कितना आएगा, सिर्फ 8, 9, क्योंकि आपने बी माइनस ए किया है तो कॉमन एलिमेंट जो है वो सिर्फ बी से हटेंगे, बाकी बी के बचे हुए एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो वो 8, 9 है। एंड सिमिलरली इसमें भी हुआ था, a माइनस आपने b किया तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट थे वो a से हट गए थे, बाकी बचे a के एलिमेंट इसके अंदर आ गए थे। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर का जो पर्पस था यहाँ पे फिनिश होता है।
और इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो प्लीज़ अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम अगेन सेइंग टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको अपने कमेंट भेज सकते हैं। सो थैंक यू।